अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ व्हिपिंग क्रीम की एक रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आइसिंग शुगर थी, देन मेरे पास क्रीम्स थी दो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की। तो अगर आपके पास सेम कंपनी की हो आप सेम कंपनी की ले लें, लेकिन मैंने डिफरेंट ली है, ये इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पैक क्रीम का इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। सारी क्रीम आपने निकाल लेनी है, ये सारी क्रीम आपने अच्छे से निकाल लेनी है। देन आपने दूसरे डिब्बे का भी इसी तरीके से सारी क्रीम निकाल लेनी है और आपने लेनी बिल्कुल ये दो ही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक क्रीम हल्की सी हार्ड है और एक बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर के यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किया है, आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। जितना आप मीठा पसंद करते हो आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऐड किए आइसिंग शुगर के। इसके बाद हमने इसको हैंड मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना, इतना मिक्स किया हार्ड हो जाए, ज़्यादा ओवर हार्ड भी ना करिए। तो यहाँ पर एक मेन बात मैं आपको बताऊँ कि अगर तो गर्मियों का मौसम है तो यहाँ पर आपकी क्रीम्स भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और मशीन भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, इसके हैंडल्स। एंड देन इसका बाउल भी ठंडा होना चाहिए गर्मियों में स्पेशली, और बाउल के नीचे आइस ज़रूर होनी चाहिए। अगर सर्दियों का मौसम है तो जस्ट आप इसके मशीन के मिक्सिंग एरियाज़ को ठंडा करें, देन बाउल ठंडा करें और क्रीम फुल ठंडी आप यूज़ करें तो भी ये रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये आप केक में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कॉफ़ी बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें हम क्रीम यूज़ करते हैं। ये क्रीम आप चाट वगैरह बनाते हो, क्रीम चाट, उसमें बिल्कुल यूज़ हो जाती है। तो बिल्कुल इसकी थिकनेस जो है मैंने ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं की है, फटाफट सी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये झटपट सी व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग सी है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।